पूजा आराधना स्नान दान इन सारी चीजों से इंसान का कल्याण होता है और जब किसी विशेष संयोग पर ये पुण्य कार्य किए जाते हैं तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान पूजा पाठ से ज्यादा दान को महत्व दिया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों और दान देने के लिए किन नियमों का पालन करना होता है, जानिए दान से जुड़ा हर एक रहस्य। देखिए मकर संक्रांति का अपना ही महत्व है। इस दिन दान पुण्य से आपको अक्षय पुण्य प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति पर दान देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति पर दान देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपको दान का विशेष लाभ मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं दान के नियम। मकर संक्रांति के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान या जहाँ भी कोई तालाब सरोवर हो, और खिचड़ी यानी कि नाना प्रकार के अन्न और सब्जियों का हमें दान करके उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उसमें तिल और लाल कुमकुम या चंदन डालकर हमें भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ देना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का ओम एहि सूर्य सहस्रासो तेजो रासे जगतपते अनुपंकम भक्त्या गृहाणार्घम दिवाकर इत्यादि मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ देने से हमारे कुंडली में ज्योतिष के अनुसार सूर्य प्रबल होता है और हमें शुभ फल प्राप्त कराता है। मकर संक्रांति पर किया हुआ दान अक्षय फलदायी होता है। सुबह स्नान करके सूर्य को जल दें, भगवान की पूजा उपासना करें, इसके बाद अन्न का, घी का और वस्त्र का दान करें। चावल, दाल, सब्जी, नमक और घी का दान सर्वोत्तम होता है। शनि देव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मकर संक्रांति इस बार तमाम खुशियां लेकर आई है। इस शुभ मौके पर आप भी स्नान और दान करें, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। सनातन परंपरा में यूं तो दान ध्यान का हमेशा से महत्व होता है, लेकिन जब मौका खास हो, दिन खास हो, पर्व खास हो तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। श्वेता भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं प्रयागराज से। श्वेता एक बार फिर से जाएंगे, आप एक बार फिर से अपने कैमरे की नजर से और अपनी नजर से हमारे दर्शकों को प्रयागराज की तस्वीरें दिखा दें। बिल्कुल गुंजन, एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अपने कैमरामैन को बोलूंगी जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए कोहरा है, धुंध है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको जहां तक दिख सके। खूबसूरत यहां पर पंछी जो है वो उड़ान भर रहे हैं, जो विदेशी पंछी हैं, ऐसा लगता है कि वो भी पुण्य की प्राप्ति के लिए खास करके इस समय में आते हैं और हर साल यहां पर आते हैं विदेशी पंछी और यहां पर पुण्य की प्राप्ति कहीं ना कहीं उन्हें भी होती है, ऐसा विश्वास है। कुछ लोग यहां पर है, उनसे हम बात करते हैं। आप लोग कहां के रहने वाले हैं? हम यही यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन इस समय हम यहाँ पे हैं। हमारी कितनी आस्था, स्नान हो गया आप लोगों का? हाँ, स्नान हो गया, बहुत आस्था है। आए नहाने के लिए और बहुत अच्छे से रहे, बहुत ठंडा पानी है, उसके बाद भी हम लोग 108 डुबकी लगाए हैं। 108? हाँ, बहुत बर्फ का पानी है, बिल्कुल बहुत सर्दी है, लेकिन आस्था इतनी है। बिल्कुल श्वेता, देखिए आस्था सबसे ऊपर है और इसीलिए आस्था जब इतनी ज्यादा होती है मन में। अच्छी है, मैंने 108 डुबकी लगाई है। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, हम देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए। किस तरीके से लोगों की आस्था सबसे ऊपर है, चाहे ठंड कितनी भी हो, लोग दान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और इस तरीके से मकर संक्रांति का ये पर्व मनाया जा रहा है।